रणबीर कपूर की फिल्म संजू सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए बस तैयार ही है। ये फिल्म को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। फिल्म के एक डायलॉग को लेकर लीगल कंप्लेंट फाइल की गई है। दरअसल संजू के एक डायलॉग को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बात कही गई है। रिलीज से पहले फिल्म विवादों में फंसती हुई दिख रही है। रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर कपूर के एक डायलॉग के खिलाफ छवि खराब करने को लेकर कम्प्लेन फाइल की गई है। इसी के चलते दिल्ली के नेशनल वुमेन कमीशन में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। फिल्म में संजू की पर्सनल लाइफ का खुलासा हुआ है कि कैसे संजय दत्त लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल करके उनके साथ रिलेशन बनाते थे। इसी के चलते अब फिल्म को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। महिलाओं में इसको लेकर काफी गुस्सा है, जिसको लेकर लीगल कम्प्लेन भी फाइल की गई है। संजू 29 जून को रिलीज हो रही है। फिल्म के गानों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। संजू के ट्रेलर रिलीज के बाद हर कोई रणबीर कपूर की एक्टिंग को देखकर हक्का बक्का रह गया है। अब देखना होगा कि फिल्म जब रिलीज होती है तभी रणबीर सबके उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं या नहीं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।